तमिलनाडु के रेतनई गांव में एक ऐसा फार्म स्टे है जिसे 89 और 71 साल की दो महिलाओं ने शुरू किया है। रूढ़िवादी सोच के बीच पली बड़ी लक्ष्मी अमाल और उनकी बेटी कस्तूरी सिवरमन ने पूरी जिंदगी घर संभालने के बाद पिको फार्म स्टे की शुरुआत की। रेतने गांव में 185 साल पुराने ऑर्गेनिक फार्म में बने इस फार्म स्टे को ये माँ बेटी की जोड़ी बड़ी खुशी से चला रही है। 13 एकड़ में फैला ये फार्म कई सालों से ऐसे ही बंजर पड़ा था, लेकिन 2011 में लक्ष्मी और कस्तूरी के परिवार ने इसे फिर से हरा भरा कर इसमें जैविक खेती करने का फैसला किया। उनके परिवार ने मिलकर यहाँ तरह तरह की फल सब्जियाँ उगाना शुरू किया। 2021 में कस्तूरी के बेटे ने यहाँ एक फार्म स्टे शुरू करने की सलाह दी और इसकी पूरी जिम्मेदारी लक्ष्मी और कस्तूरी को उठाने को कहा। इसके बाद लक्ष्मी और कस्तूरी ने मिलकर यह फार्म हाउस डिजाइन किया। उन्होंने घर की खिड़कियां बड़ी और पूरी तरह से कांच की बनाई है जिससे अंदर भरपूर रोशनी आ सके। साथ ही यहाँ वुडन फ्लोरिंग लगाई गई है। घर की हवा को ताजा रखने के लिए अंदर ढेर सारे पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 5 छोटे छोटे तालाब भी बनाए गए हैं। लक्ष्मी और कस्तूरी ने मिलकर स्थानीय खाने का एक लजीज मेन्यू भी तैयार किया है जिसे वो खुद बनाकर मेहमानों को परोसती है। लक्ष्मी और कस्तूरी इस फार्म स्टे में हर महीने करीब 10 मेहमानों की बड़ी शिद्दत से मेहमान नवाजी करते हैं और उन्हें एक फार्म पर रहने का सुंदर और यादगार अनुभव देते हैं। अगर आप भी पीको फार्म के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो www.kiruba.com पर विजिट कर सकते हैं।